वेलकम टू माय चैनल दिवंश इंडियन। आज नए वीडियो में आपका स्वागत है। और दोस्तों, ये मैं आज जसनपुरा जो तहसील है उधर एक जाविया सेकला गांव है, वहाँ पर खोडेश्वर महादेव जी का मंदिर है, वहाँ पर मैं जा रहा हूँ और आपको वहाँ का नज़ारा दिखाऊंगा। और सबसे पहले तो ये रास्ता जो दिखा रहा हूँ जो गुजरात से आ रहा है और सीधा भीनमाल और ये दूसरी तरफ जा रहा है जाविया सेकला जसनपुरा की ओर, वहाँ पर महादेव जी का मंदिर है। हम दोनों भाई आज बाइक लेके जा रहे हैं जाविया सेकला जो महादेव जी के मंदिर पर दर्शन करने के लिए, क्योंकि भाद्रपद का पहला सोमवार का दिन था और इधर हम पेट्रोल डलवाने के लिए आए हुए हैं। और सबसे पहले हम पेट्रोल डलवा लेते हैं बाइक में, क्योंकि मेरे यहाँ से लगभग 60 किलोमीटर दूर गिरता है। और ये ब्रिज आया दोस्तों, ब्रिज पे हम चल रहे हैं। और दोस्तों, जसनपुरा में जो ये मंदिर खोडेश्वर महादेव का है वो बहुत प्राचीन मंदिर है, अद्भुत नज़ारा है दोस्तों वहाँ का। अगर आप देखोगे तो आपका मन मोहित हो जाएगा, लगता है कि वहाँ पर अप्सराएं और देवी देवता रमन करने के लिए वहाँ उतरते हैं। देखिए सामने की तरफ सुंदर नज़ारा है आपका, जैसे हम कश्मीर में घूमने के लिए आए हैं। और ये इतनी ढलान है कि आप देखोगे बीच में एक गांव आता है कागमाला करके, कागमाला से लगभग थोड़ी दूर सुंदा माता जी का जो मंदिर है वहाँ टेम्पल है, बहुत मस्त टेम्पल है, वो भी देखने लायक है। और बहुत प्राचीन मंदिर है सुंदा माता जी, बहुत राजस्थान का प्रसिद्ध मंदिर है। और दोस्तों, ये दुकान लगी हुई है अभी हम और सुंदा माता जी आगे चलते हुए इधर से हम टर्न लेंगे खोडेश्वर महादेव जाने के लिए। और देखिए सामने गेट आया खोडेश्वर महादेव जी का, और ये गेट है, अभी प्रवेश हो चुके हैं खोडेश्वर महादेव जी के लिए हम स्थान के लिए। और देखिए बड़े बड़े पहाड़ हैं, और आपको रास्ता दिखा रहा हूँ खोडेश्वर महादेव जी के जाने के लिए। बारिश हुई है, बहुत पानी भरा हुआ इधर पड़ा हुआ है दोस्तों, और ये दोनों तरफ बड़े बड़े पहाड़ है और बीच में दर्रा है, दर्रे के बीच में से ये रोड निकलती हुई, और बहुत सारी नदियां भी बीच में आती है। लेकिन इस बार तो बारिश थोड़ी कम हुई है तो नदी एक भी नहीं चल रही है। आगे जाके देखते हैं कि कितनी नदियां चलती है, क्योंकि 5-6 नदी आती है। और दोनों पहाड़ है, आमने सामने पहाड़ है और बीच में से इतने बड़ा दर्रा है कि वहाँ पर रोड निकाली हुई है। और आजू बाजू में जो जंगल बसा हुआ है, इधर बहुत सारे जंगली जानवर भी है, और भैंसें गाय भैंस चराने के लिए जो आते हैं गांव के लोग। और इतना सुंदर व्यू है कि दोस्तों आप देखते ही आपका मन मोहित हो जाएगा। और बड़े बड़े पहाड़ है, पहाड़ों का नज़ारा कुछ अलग ही आपको दिखेगा। और 2 किलोमीटर आगे जो महादेव जी का मंदिर है वो आगे आपको दिखाता हूँ, बहुत मस्त व्यू आपको देखने को मिलेगा। जैसे आप कश्मीर में घूमने के लिए आए हो वैसे आपको लगेगा कि, और ये मंदिर इतना प्राचीन और एकदम अद्भुत और बहुत प्रसिद्ध मंदिर है, वहाँ पर बहुत सारे लोग आते हैं। और फिर आप ये इधर हम एंटर कर चुके हैं जो खोडेश्वर महादेव जी का स्थान है, और ये इधर गाड़ियाँ पड़ी हुई है पार्किंग में, और आगे हमारी भी ये बाइक हम पार्किंग करने के लिए जा रहे हैं दोस्तों। अभी हम खोडेश्वर महादेव जी के अंदर आ चुके हैं, तो ये बस 0 किलोमीटर के ये उनका मैप है जो आपको जहाँ जहाँ घूमने जाना है, और ये बहुत सारी जगह घूमने के लायक है इस मैप में दर्शाया हुआ है आपको। और आगे ये जो लव कुश वाटिका जो ये गार्डन बनाया हुआ है दोस्तों, बहुत अच्छा गार्डन है, घूमने के लायक है दोस्तों। और हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना दोस्तों। और इधर दुकान लगी हुई है प्रसादी के लिए, और सामने बहुत बड़ा गेट, और क्या एकदम नेचुरल व्यू है, और नदी चल रही है, और आपको उनके नदी को पार करके खोडेश्वर महादेव जी के मंदिर जाना है, क्योंकि एकदम पवित्र हो जाएंगे इस नदी में से निकलेंगे, अपना पैर भी धुल जाएंगे इस गंगा में। और ये पहाड़ों से पानी निकलता हुआ दोस्तों, अभी तो बारिश कम है, लेकिन ये अगर बारिश ज़्यादा होती तो ज़्यादा पानी निकलता पहाड़ों में से। और बहुत सारे झरने भी बह रहे हैं, आगे मैं झरना भी दिखाऊंगा, जो लोग नहाने के लिए आते हैं और पिकनिक मनाने के लिए भी आते हैं। और इधर देखिए ये सब, इस गेट के पीछे के भाग में खोडेश्वर महादेव जी का मंदिर है, और वो मंदिर को भी आप दिखा रहा हूँ। और ये बहुत सारे लोग इतने दर्शालु आए हुए हैं और दर्शन करने के लिए, और इस महादेव जी की चमत्कारी बहुत है दोस्तों। जो कोई भी मनोकामना करता है वो उनकी मनोकामना पूरी होती है दोस्तों इस महादेव जी के मंदिर पर। और दोस्तों हम निकल पड़े हैं प्रसादी लेके दर्शन करने के लिए, और इधर रहने के लिए भी व्यवस्था है और दोस्तों, और इधर हम चप्पल बूट वगैरह उतार देते हैं।
और इधर मंदिर के अंदर जो वीडियो बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा बहुत आपको दिखा दूंगा वहाँ पर का जो दर्शन करने के लिए। दोस्तों अभी हम लाइन में चल रहे हैं और भाद्रपद सोमवार जो आएगा उसमें बहुत बड़ा मेला लगता है और उनको ये जो हवन कुंडी है जो इधर हवन होता है दोस्तों, और वो सामने आपको अभी मंदिर दिखा रहा हूँ दोस्तों। ये मंदिर है कोटेश्वर महादेव जी का, क्योंकि ये मंदिर बना हुआ हुआ है और ये देखिए सब श्रद्धालु अपनी प्रसाद चढ़ाते हुए कुंड में। जय कोटेश्वर महादेव जी की, जय कोटेश्वर महादेव जी की।